फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस वर्थ्रोपोर्ट कोई भी ऐसा एनिमल जो कि बेसिकली एक फाइलम है जो कि इनवर्टिब्रेट से ताल्लुक रखता है इनवर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती अब आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा फाइलम है इसके अंदर बहुत सारे कॉमन एनिमल्स मौजूद हैं जिसके अंदर लॉबस्टर है प्रान है इंसेक्ट्स हैं स्पाइडर्स हैं मिलीपीड्स हैं सेंट्रीपीड्स हैं इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के अंदर शामिल हैं इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं ये तकरीबन हर किस्म के हैबिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं ये एनिमल फ्लाई भी कर सकते हैं ये एनिमल जमीन के अंदर भी मौजूद हैं ये प्लांट्स के ऊपर भी मौजूद हैं ये पहाड़ों पे भी मौजूद हैं ये डेजर्ट्स के अंदर भी मौजूद हैं इसका मतलब ये है कि हर किस्म के हैबिटेट के अंदर ये जो फाइलम के मेंबर्स हैं मौजूद हैं उसके अलावा इस फाइलम के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकें यानी इनके अंदर एडेप्टन के लिए बहुत ज्यादा वराइटी मौजूद है उसके अलावा आर्थ्रोपोड जो है इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक्जोस्केलेटन मौजूद है और इनके जो बॉडी पार्ट है इनकी जो अपेंडिज़ हैं वो सेगमेंटेड हैं उसके अलावा अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो दे हैव ट्यूब लाइक हार्ट उसके अलावा ये एनिमल बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर डिवाइड करें तो दीज एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस आमतौर पर जो एनिमल सिमेट्रिकल होते हैं ये एक्टिव एनिमल्स होते हैं उसके अलावा तकरीबन सेवन मिलियन के करीब जो स्पीशीज हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं और जमीन पर जो सबसे ज्यादा कामयाब ग्रुप है वो आर्थ्रोपोडा है सबसे बड़ा फाइलम भी है और सबसे कामयाब ग्रुप भी है और इस फ़ाइलम के अंदर इंसेक्ट्स भी शामिल हैं यानी अगर तमाम एनिमल्स जिसके अंदर वर्टिब्रेड और तमाम इन्वर्टिब्रेड शामिल हैं उनको एक तरफ रखा जाए और सिर्फ इंसेक्ट्स जो है उनको एक तरफ रखा जाए तो इंसेक्ट्स की तादाद ज्यादा होगी और उसकी जो डाइवर्सिटी है वो बाकी एनिमल्स के मुकाबले में ज्यादा है उसके अलावा तकरीबन एक मिलियन के करीब जो स्पीशीज हैं वो अभी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि अभी आइडेंटिफाई होने वाली हैं आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर काइटन मौजूद होता है ये जो काइटन है ये इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है इसकी बॉडी से जो पानी है उसके लॉस से बचाता है और इनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने देता और एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं उस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनका जो सर्वाइवल है उनको मुमकिन बनाता है उसके अलावा इनके अंदर एक्सटेंसिव सेफेलाइजेशन है सेफेलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर टेंडेंसी टूवर्ड फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन इसका मतलब यह है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली डेवलप है जो वर्टिब्रेट हैं उनका नर्वस सिस्टम डेवलप है आर्थ्रोपोड जो है इनका नर्वस सिस्टम भी डेवलप नर्वस सिस्टम है उसके अलावा अगर इन एनिमल्स की हम सर्कुलेशन की बात करें इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका जो हार्ट है वो हीमोलिंप को पंप करता है इनकी बॉडी के अंदर जो ओपन स्पेसिस होती हैं जिनको साइनसिस कहते हैं उसके अलावा इस फाइलम के वो मेंबर जो कि एक्वाटिक हैं वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आर्थ्रोपोड हैं उनके अंदर बकायदा ट्रेकियल सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है तो फ़ाइलम आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं उनका सबसे बड़ा फाइलम है सबसे डाइवर्स फाइलम है सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है उसके अलावा इनकी जो बॉडी है उसके अंदर सेगमेंटेशन है और ये जो सेगमेंटेशन का जो कंपोनेंट है ये इन्होंने अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनसे हासिल किया है जो कि एनड है क्योंकि जो एनरस है एनडस की बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन मौजूद है और इनके अंदर रेपिटेशन है? है, है उसको मैटाम सेगमेंटेशन कहते हैं तो आर्थ्रोपोर्ट्स के अंदर मैटामिक सेगमेंटेशन इनकी जो अपडिजिस है वो सेगमेंटेड होती हैं इनका जो स्केलेटन है उसके अंदर काइटन मौजूद है इनके रेस्परेशन के लिए इनके अंदर गिल्स मौजूद हैं और ट्रैकियल सिस्टम मौजूद है और इस ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ़ के एनिमल्स शामिल हैं ऐसे एनिमल्स भी शामिल हैं जिसके अंदर थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर फोर पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो अपनेडिजिस की तादाद काफ़ी ज्यादा है